आइए आइए बेगम साहबा, आइए, वेलकम होम। हैरत है, आज आप पहले से घर में मौजूद हैं। मैं तो पिछले 5 दिनों से आपको मिस कर रहा हूँ बुरी तरह। सोचा आपको वेलकम करूँ, बहुत याद आ रही थी आप। कैसा रहा आपका फैशन शो? ओह, फैशन शो अमेजिंग, बहुत अच्छा था, बस बहुत थक गई हूँ मैं। अमेजिंग, बहुत थक गई हो तो फिर एक काम करो ना मेरी जान, बेडरूम में जाके सो जाओ, मैं खाना वहीं भेज देता हूँ। क्या बात है इब्रार, आप बहुत अजीब बिहेव नहीं कर रहे। अरे नहीं, क्या मिस कर रहा हूँ तुम्हें पिछले 5 दिनों से। मीठा भी बनवाया तुम्हारे लिए, बस तुम जाके रिलैक्स हो, हर चीज कमरे में पहुंच जाती है। हाँ, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस फ्रेश होकर सोना चाहती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा चलो ठीक है, जाके सो जाओ, डिनर कर लेंगे। हाँ जाओ। ये सब कैसे हो गया यार? हसन जिंदा था? उसकी गुड लक है। लेकिन यार ये इतने महीने था कहाँ आखिर? कहता है कि किसी ने उसे अगवा करवा दिया था। झूठ बोल रहा है, जरूर कोई ना कोई बात होगी। और क्या बात हो सकती है यार, कहीं चला गया होगा खुद से और हमें ये सब कुछ बता रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि झूठ बोल रहा है, जरूर कोई बात होगी। चलो मान लेते हैं, लेकिन अब क्या ये यहीं रहेगा? अमल को लेकर जाना जा रहा है और इस प्रोसेस के होने तक इसी घर में रहेंगे। अच्छा चल छोड़ उसे। अच्छा ये बताओ फॉर्म पे कब जा रहे हैं? इतने दिन हो गए हमने चक्कर ही नहीं लगाया। कल चलते हैं। चल ठीक है यार अली, मैं चलता हूँ, कल ऑफिस में मुलाकात होगी। चल ठीक है। ओके मॉम, मेरा भी दिल चाह रहा है आपसे मिलने के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र करें। लेकिन अंकल इब्रार हमारे वहाँ पे आने का बंदोबस्त कर रहे हैं। मैंने कहा ना माँ, आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा पीछे पड़ूंगा कि बस याद करेंगे। ओके बाय, टेक केयर। अरे कहाँ रह जाती है, मैंने मॉम से तुम्हारी बात करवानी थी। मैंने उनसे बात कर ली थी, आप घर पे नहीं थे। वैसे आप गए कहाँ थे? मैं दोस्तों के साथ। चाय पी ले। ओके लिसन, तुमने पेपर जमा करवा दिए? वैसे अमल, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम्हारे बाबा का मसला क्या है? क्यों, क्या किया है उन्होंने? He disliked me, और मैं ये अच्छे से जानता, लेकिन हम दोनों को अलग करने के लिए वो इतनी घिनौनी साजिश कर सकते हैं। अजीब है, आप खामखा बदगुमान हो रहे हैं। बदगुमान अमल, देखो अली और तुम्हारे बाबा की साजिशें मुझ पर पूरी तरह से खुल चुकी हैं। आइडिया तुम भी मान लो। देखो जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, ये तुम्हारे डियर कजन, तुम्हारे बाबा ने करवाया। मैं नहीं मानती, और आप भी अपने दिल से बदगुमानी निकाल दें, वो लोग इतने जालिम नहीं है। ठीक, ना मान, वक्त आएगा तो सब पता चल जाएगा, कौन जालिम है और कौन नहीं। ठीक ठीक। और मेरी बात गौर से सुनो अहमद अली, भाई अपना जो कंट्रोल शेड जो है ना, इसमें बड़ा फायदा है, बड़ी कमाई है। वो 40 दिन के अंदर फ्लॉक तैयार हो जाता है और फसल महीनों लग जाते हैं उसका इंतजार करते हुए। तो क्या हुआ तेरे एक शेड में नुकसान हो गया तो अगले में कमाई कमाई हो जाएगी। एक बात बताऊं पाजी, सच का है सियाणा कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ढोल बाजे। चंगा भला मैं अपनी प्रॉपर्टी का काम कर रहा था, पर मेरी बात ये नहीं समझ आ रही
कि आपको तो फलाक में चंगा भला फायदा हो गया, ढेर सारा नफा कमाया, और मुझे इतना नुकसान हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो तुम्हें क्या जरूरत है मालूम करने की? ओए मैंने पता लगा लिया है, चूजे की कीमत इस बार बहुत कम आ रही है, वो फायदा ही फायदा होना है। वो अपना अली की जमीनों का क्या हाल चाल है बाजी? ये वही जमीन है जिससे ठेका भी पूरे टाइम पे आता था और गंदम फसल टमाटर चना सारा कुछ कर वैसे पहुंचता था। नो क्या मतलब है तुम्हारा? वो मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने सारी फसल छुपा ली है, मैं ड्रामा कर रहा हूँ? नहीं नहीं बाजी, मेरा मतलब ये नहीं था। और सारे मतलब आते हैं मेरी समझ में। देखिए बाजी, आप थोड़ा सा तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें ना। अगर वो लोग तकाजा नहीं कर रहे तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो बिल्कुल ही चुप रहेंगे। आखिर कब तक पाजी? हाँ, अपने भाई का जरा एहसास नहीं है, ससुराल वालों के दुख में कुला जा रहा है। ये बात नहीं है पाजी, कभी आपने सोचा कि हमने कितने दावों के साथ ये जमीन ली थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और अब अगर हम ठेका भी टाइम पे ना दे सकें तो फिर बात शर्मिंदगी वाली है कि नहीं है? ओए फसल का होना या ना होना ये तो कुदरत का खेल है, मैंने जानबूझ के फसल खराब की है। पाजी फिर अब क्या करना है, कुछ तो मुझे आगे बताएं ना। बस नसीब में फायदा नहीं था। कैसी बातें कर रहे हैं पाजी? देखिए मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता पाजी। आखिर वो मेरा दामाद है, कोई मेरा पुत्र नहीं है जिससे मैं हर बात मनवा लूं। और ये जमीन हम जफर अली को वापस कर देते हैं, वो अपना वो आज है ना, उसको आजकल मुर्गी खाने का बड़ा शौक हुआ है, तो जफर अली की जगह ना वो आज को वहां पर रखवा देते हैं। और इतनी बात तो अपने दामाद से कर सकता है ना। अरे छोड़े पाजी इन बातों को, मेरा ख्याल है आप चल के अब जरा आराम कर ले। ये लीजिए माजी जूस। अरे इफ़ी अल्लाह के बंदे, कितनी बार तुझे समझाया कि मौसम बदल रहा है, ठंडा जूस मत लाया कर। तो क्या गर्म करके लाओ माजी। ओ मेरे खुदाया, जूस को कौन गर्म करता है? अच्छा तो नहीं करते, मुझे लगा माइक्रो में कर सकते हैं। अल्लाह तुझे निक्की की हिदायत है। अब जा और जाके मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के ला। चलें ठीक है माँ जी, ये जूस मैं पी लेता हूँ और आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। अच्छा पी ले। अच्छा माँ जी याद आया, वो इस बार हमने राशन नहीं दिया, बहुत से लोग पूछ रहे हैं। अल्लाह, मेरे तो जहन से ही निकल गया था। असल में जफर अली के पास ठेका था ना, जब तक तब तक तो वक्त पे पैसे आ जाया करते थे, और इन गरीबों के घरों में राशन भी चला जाता था। जब से कासिम अली को ठेका दिया है ना, उसने तो हद ही कर दी है। इब्रार आता है तो बात करती हूँ मैं उससे। अब उनसे क्या कहूँ जी? उनसे कुछ मत कहना, मुझसे पैसे लेना तो उन बेचारे गरीबों के घरों में राशन पहुँचा देना। जी ठीक है माँ जी, चल जा।